हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कार आज सुबह फिर स्टार्ट करनी पड़ गई है क्योंकि आज जो बच्चों का कैरी वाला है ना, वो नहीं आया। पता नहीं वो किराए का मसला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किराया बहुत थोड़ा दे रहे हो, और फिर वो आज आया ही नहीं है। ना उसने हमें कुछ बताया और ना कुछ। वैसे वो 17,000 ले रहे तीन बच्चों का, यहाँ से लिया आने जाने का। खैर, गाड़ी का जो गाड़ी में से मैंने सेल करनी है, इसके जो थोड़ा सा बैटरी डाउन है, स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो उसको धक्का शक्का लगा के स्टार्ट कर दिया, वो अब चले गए। और अभी जो है ना, क्या कहते हैं, मैंने लिया जाना भी है, बेगम को ले जाना है, बेबी की शॉपिंग भी हमने करनी है। और मैंने आपको बताया था कि जो गाड़ी का छोटा मोटा काम जो रहता है, अभी घोड़ा गीटा जो भी वो डलवाना है, वो भी आज गाड़ी लिया तो जैसे कैसे पहुँच रही है तो वहाँ ये भी काम करवा लेते हैं। मैं कुहार पास हुई, मैं गत्ती अजाब बेच पता है हर बंदा। हूँ वो कैरिया लाइन को छोड़ गए, हूँ पता नहीं वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। हूँ अगर वो कैरिया वाला यानी कि किराया इतना ज़्यादा मंगे जरा सा गुबारा ही ना आवे तो वही मसले। इन्हों को अपनी कार से भेजन वो मसले, हर दूजी तीजी बार कार का नुकसान का स्टेटमेंट। कोई समझ नहीं आती भी क्या किया मैंने। शहर पहले बैठे हूँ ऐसे ना, शहर चू रिक्शा लगा हुआ आई, नाल नाल स्कूल हैं, सुबह चाहता आई शामी पिछले टाइम टाइम नाल घर। हूँ तो सुबह कैरी वाला इन्हों का स्कूल 8 बजे लगता है, लेकिन कैरी वाला इन्हें कुछ 6 बजे चाहता इतों, मतलब नमाज के टाइम 6 बजे चाहते वाला। इन्हें 12:15 तो छुट्टी थी, 3 बजे घर वाल दिन। ये सारे मसले मसाइल हैं इन पे। देहात रहन का जितना कुछ फायदे हैं, उतना नुकसान भी काफ़ी हैं, मतलब स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ी इतना। अच्छा खैर, दे दें जो भी करना है यार, चलते हैं लिया चलते हैं। मैं नाश्ता वगैरह करगी ना, तो नाश्ता वगैरह कर गया ना, नाश्ता करके तो उन्हें बाद पीछे बाद मैं बेगम को गिन के बाद लिए वे ना। बाकी आज द व्लॉग देखने तो पहले वो रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड वीडियो शेयर। कार आके आते लू कार आके आते लू शादी आते। अच्छा अच्छा, याद ही है। हाँ हाँ, वो काम लिया कोई काम। अच्छा अच्छा, नाजरीन ये सारे हमसाए ही पहले भी तुम दे रहे हैं वे चाचे कासिम को। हम दो पुत्र ने शादी करना था इकट्ठे, तो बारात किथे है? बारात उरे मुल्तान है पे यार, ये तो हमारा चक्कर है मुल्तान बारात है, दोहा दी इकट्ठे के जा रहे सब चले रहे ने। उन्हें कोई नहीं आता, बड़ा सफर कर रहा है ए ही में आज कातल बड़ा सफर कर रहा, मैंने 10 सफर तू मैं ज्यादा बेहतर छोरो के बेचो। नजरीन सर हम साहब चाचा कासिम इन दो पुत्र ने शादी हफ्ते वाली मार ते बारात ही मुल्तान में दोइयां दी ते ओ जड़ा ना क्या देना वो बरात से सकूँ। गाड़ी अपनी डे बई गाड़ी भी मेरे एक बै कजन को आखी सी जुबैर को जैसे कोलू नाश्ता मांगी थी बस। चलो मैं क्या हमसाया गिरी है, वैसे मैं अमूमा ने कम करेंदा को नहीं, तो बस हमसाया ही गरीब बंदे ही बेचारे बइया कारा कितों किराया शराया तो किराया सन चंगा बल्ला किराया शराया पै वैसे तो उस बात मैं हाँ कर दी। मैं ठीक है गिन जुल सा हूँ बस मैं नाश्ता करेंदा, तो नाश्ते के बाद सीधा निकल दें लिया। चलो जी नाश्ता मेरा आ गया एज यूजुअल, दही और पराठा। जालिम किस्म की चाह भी नाजरीन आ गई नाश्ते के बाद। जालिम हो सी तैं जो बनी आखिर जालिम ना हो सी। चलो जी मैं आ गया, चलो सीट बेल्ट एक पत्ते जरूरी है। अच्छा व्यूअर्स, अब फाइनली जो है ना हम जा रहे हैं लिया सिटी। बस जो भी आज काम है ना, इंशाल्लाह वो तकरीबन फाइनल हो जाएंगे।
जिन जिन बड़े बड़े कामों की वजह से मैंने लिया जाना था और काफ़ी दिनों से मैंने शोशे छोड़े हुए थे कि आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ, ये वो आज फाइनली जा रहा हूँ, देख लो। कितना वजन है मेरा? 775 किलो हुआ। चालीस हुए चागिन अपने वास्ते, एक अपने वास्ते, एक बाल वास्ते। ये देखो जी, असा पता नहीं किसे किसे गिदी पे हैं, जो चीज़ें नए गिने वो भी गिदी पे हैं। चलो जी, इतों फीडर चा वैसे नजर नहीं रहा, देखो सारा एक ट्रक से फूल की वे शॉपिंग का, तो हम बै ट्रक का इंतजार है, हमें हाली दसने चीज़ें रहा है। ये ठीक है, प्लास्टिक है यार, ओके रे। हाली नहीं, हूँ मैं तो समान सारा लिखना, मैं ये शॉप हरी वे बाकी जी अनबॉक्सिंग घर जुड़ के करे तो क्योंकि हम सारा समान छापा जो पैक करके दिता ना सब, तो वो यानी कि अनबॉक्सिंग सारे घर जुल के इंशाल्लाह करे, एक एक चीज दिखे सो क्या करो। बहरहाल 18,000 रुपया सारा तकरीबन बिल बने, नहीं वे बिल वैसे ना कुछ चीज़ें असा एक्स्ट्रा भी गिन की थी, मतलब मैं अपने वास्ते ट्राउजर शर्ट की थी जी, मैं तो आखा ही मैं गिन सा नाल घर दे भी कुछ समान असा राशन गिन की दे, लेकिन वत भी बिल बन गए 18,520 रुपए। लिस्ट चेक करो यार, 43 आइटम्स असा गिदन, 43 आइटम्स और सब कोई जरा टीका ला के ते हम असा मैंने पहना। ऐसा शॉपिंग करने के बाद दोबारा अल एहसान मूर्ख पुलाव ते आ गए हैं, तो भूख बहुत ज़्यादा शदीद लगी हुई है, हूँ 5:15 थी गए, कोई टाइम असा रेस्ट किया, 5:30 बजे का 5:45 बजे का नंबर लगा हुआ डॉक्टर के, तो भूख बहुत शदीद लगी खड़ी, हूँ असा पहले पुलाव खा गए, उन्होंने बाद पीछे बात डॉक्टर के वैसे क्योंकि उतना इंतजार भी करना पै संगे, रश हुआ तो इंतजार करना पोसी, तो बाद पीछे उतू फ्री थी गए सीधा घर लगे जुलसों, तो समान समान जो वैसा गिदा इन शाला घर जुल के मैं तो अगली कह ऐसे केड़ी केड़ी चीज़ की है, फिलहाल खाने मूर्ख पुलाव मेहरबानी पानी कोल्ड ड्रिंक होनी दोबारा मूर्ख पुलाव थे हूँ मैं रसल ना अभी बेगम को लुस्काया भी ना मेरे मुँह च पानी आता, मेरे बेगम आखे अगली दवा जनरल लिए गई ये लाजमी खा सकते अज मत गिन नहीं कहीं क्या कमाल पुलाव है ये ना बेगम? यस। हाँ। चासा आ गई है। टाइम थी के 5:45। साहब जहर साहब तो भूख लगी हुई है। नजरीन ऐसा सुबह का नाश्ता किया 8 बजे। उन्हें बाद देखो जो उन्हें 4:45 थी के मतलब मगरब थी वाला लिए। जैसे मंजना में ये हॉस्पिटल है ये जरा सामने डॉक्टर मोहम्मद रमजान वंदर दिना दिखा रहे समान तरह आ गए सारा ये देखो ये पैंपर शैंपर ही किना है कुछ मैं पैसा कुछ बच्चा पैसी बाकी नाजरीन बेगम कुछ रोले गती खड़ी होती हर चीज़ दिखावन दे काबिल को नहीं यो मतलब उन्हें आखा कि हर चीज़ ना दिखा बस पता नहीं क्या वजह है दिखा नहीं होनी चाहिए हर चीज़ दिखा नहीं होनी चाहिए सिर्फ पैंपर दिखाने हैं क्या है वो सिर्फ पैंपर दिखाने हैं बेबी वास्ते सिर्फ पैंपर हालांकि ये नहीं कि मेरा बच्चा जल्द काल को वादा थी और एक सी मेरे वास्ते सिर्फ पैंपर गिन के आए हैं ना बच्चा ही रहेंगे दसने चीज़ आई नहीं रहेंगे छापर के बीच चलो पैक पियन दिखा नहीं मैं ये एक तकिया मतलब सुमन की जगह है पी बाकी छोटिया मोटिया चीज़ आई मतलब छापर के बीच ना छोटिया मोटिया चीज़ आई वैसे भी असा पहली दफा मतलब दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस तो उन्हें पारों सबको ये पता भी कौन है कि चीज़ें गिनना चाहिए कड़िया नहीं गिनना चाहिए बहुत सारी चीज़ें असा शायद मिस भी कर रहे उस बाद पता लगे तो
बस जितना सारे को समझ लगती गई उनके मुताबिक असर गिनते गए। तो मैं जी आपे वास्ते ट्राउजर शर्ट की मतलब पा के लगता पे तुम दसने रे के पहले दिन बस जंग लगता पे या बूढ़ा लगता पे क्योंकि जनन ने मेरे बाल डटे मैं को कम अज कम लोग समझते हैं 50 साल का हालांकि मेरी उम्र 25 साल तो वैसे ये लोग मैं कि लगता पे तुम लाजमी कमेंट करके दसना है स्पेशल मतारे वास्ते पाते नहीं नहीं तो हूँ मैं ला नहीं सकूँ कई बेला मैं खत्म करता पियाँ तो अज की वीडियो मैं क्या क्या दिखाए मतलब अपने बेबी वास्ते शॉपिंग करके आए हैं बाकी दूजी कार मैरान वो छोटा भाई थोड़ा बड़ा जो उनका काम है ना वो भी करवाए उसको पैसे देते हैं वो खुद करवाए काम तो बाकी जो भी है वो तुम्हें रे कि वीडियो पसंद आवे तो लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर। थैंक यू अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अच्छा ये मुकम्मल तौर पर तुम मैं ब्रेक समझे क्योंकि पहले मैं जी वीडियो की थी उन्हें बीच मैं मतलब सिर्फ शर्ट नजर आती खड़ी तलों ट्राउजर नजर को नहीं आती खड़ी हूँ ट्राउजर भी देखना।